हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ्रा। वेलकम टू सैलड एंड फूड। आज की रेसिपी है मैंगो मस्तानी। समर सीजन में मैंगो मस्तानी खाने का बहुत ही मज़ा आता है। चलिए मैं बताती हूँ आपको इजी मेथड, ताकि इसे आप बार बार बनाकर घर में ही बार बार एंजॉय कर सकेंगे। इसे बनाने के लिए एक जार में राइप्ड एंड डाइस्ड मैंगो ऐड कर लेंगे और मिल्क ऐड करेंगे। इसे थोड़ा रिच बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम और ऐड कर लेंगे शुगर स्वाद अनुसार। सारी चीज़ें ऐड कर लेने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करके थिक मैंगो मिल्क शेक तैयार कर लेंगे। इसलिए मिल्क ऐड करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि मिल्क बहुत ज़्यादा मत हो, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही चाहिए। अब एक ग्लास में डाइस्ड मैंगो ऐड करेंगे और उसे स्प्रेड कर लेंगे और अब ऐड करेंगे आइस क्यूब्स और जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा था मैंगो मिल्क शेक, वो ऐड कर लेंगे। मैंगो मिल्क शेक पोर करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऊपर से ये हाफ इंच खाली ही रहे। अब 1 स्कूप हम वैनिला आइसक्रीम ऐड करेंगे और थोड़ा गार्निश करने के लिए फिर से हम मैंगो क्यूब्स ऐड करेंगे। साइड बाय साइड हम मैंगो क्यूब से इसे फिल कर लेंगे और मैंगो मस्तानी का थोड़ा क्रंची टेस्ट आने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस्ड एलमंड्स। आपको जितना चाहिए उतना आप स्लाइस्ड एलमंड्स ऐड कर सकते हैं और इसे थोड़ा टेम्प्टिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम टॉप पोर्शन पे एक चेरी ऐड करेंगे। और भी प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इसे गार्निश कर लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट से। तो लीजिए, मैंगो मस्तानी रेडी है। ये रेसिपी मिल्क, फ्रूट, ड्राई फ्रूट से बनी हुई है, जिसका मज़ा आप व्रत, उपवास और फास्टिंग में भी ले सकते हैं। मैंगो मस्तानी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। ये हल्का सा खट्टा और मीठा, क्रंची बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा इसका नाम है मैंगो मस्तानी, बिल्कुल ही वैसा ही है। आपको रियली बहुत मज़ा आएगा। ईट एंड एन्जॉय। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल सैलड एंड फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी ही इनोवेटिव रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।